ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਪੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। इस तो अलावा इस बिजनेस डेलीगेशन दे विच न्यूजीलैंड के कई राजनीतिक लोग ते कारोबारी शामिल ने। डेलीगेशन वालों पहले दिन इनवेस्ट इंडिया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के नाल इंडिया हैबिटेट सेंटर से मीटिंग की गई। दूजी मीटिंग स्टेट बेस्ड इनसेंटिव एंड पॉलिसी के तहत, जदों कि न्यूजीलैंड तो भारत पहुंचे डेलीगेशन के नाल भारत के कई मिनिस्टर के वड्डे कारोबारियों वालों भी मुलाकात की गई। इस डेलीगेशन के वलों रखी गई वड्डी मंग के तहत भारत वालों साल 2026 च न्यूजीलैंड के लिए सीधी उड़ान भी शुरू करन दी हामी भरी गई है। भारत के नाल व्यापारक समझौतों नूं लैके न्यूजीलैंड तों गए बिजनेस डेलीगेशन वल्लों पिछले लगभग 4 दिनों तों लगातार भारत के नाल वख-वख मुद्दों ते मीटिंगां कीतियां जा रही ने। दस दिए कि इस बिजनेस डेलीगेशन दे विच 4 पंजाबी कारोबारी भी ने, जिन्हां च धीरज सिंह अटवाल, गुरजिंदर सिंह घुम्मण, रघबीर सिंह जेपी ते पंकज गुप्ता दे नाम शामिल ने। इस तो अलावा इस बिजनेस डेलीगेशन दे विच न्यूजीलैंड के कई राजनीतिक लोग ते कारोबारी शामिल ने। डेलीगेशन वालों पहले दिन इनवेस्ट इंडिया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के नाल इंडिया हैबिटेट सेंटर से मीटिंग की गई। दूजी मीटिंग स्टेट बेस्ड इनसेंटिव एंड पॉलिसी के तहत, जदों कि न्यूजीलैंड तो भारत पहुंचे डेलीगेशन के नाल भारत के कई मिनिस्टर के वड्डे कारोबारियों वालों भी मुलाकात की गई। इस डेलीगेशन के वलों रखी गई वड्डी मंग के तहत भारत वालों साल 2026 च न्यूजीलैंड के लिए सीधी उड़ान भी शुरू करन दी हामी भरी गई है। भारत के नाल व्यापारक समझौतों नूं लैके न्यूजीलैंड तों गए बिजनेस डेलीगेशन वालों पिछले लगभग 4 दिनों तों लगातार भारत के नाल वख-वख मुद्दों ते मीटिंगां कीतियां जा रही ने। दस दिए कि इस बिजनेस डेलीगेशन दे विच 4 पंजाबी कारोबारी भी ने, जिन्हां च धीरज सिंह अटवाल, गुरजिंदर सिंह घुम्मण, रघबीर सिंह जेपी ते पंकज गुप्ता दे नाम शामिल ने। इस तो अलावा इस बिजनेस डेलीगेशन दे विच न्यूजीलैंड दे कई राजनीतिक लोग ते कारोबारी शामिल ने। डेलीगेशन वालों पहले दिन इनवेस्ट इंडिया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के नाल इंडिया हैबिटेट सेंटर से मीटिंग की गई। दूजी मीटिंग स्टेट बेस्ड इनसेंटिव एंड पॉलिसी के तहत, जदों कि न्यूजीलैंड तो भारत पहुंचे डेलीगेशन के नाल भारत के कई मिनिस्टर के वड्डे कारोबारियों वालों भी मुलाकात की गई। इस डेलीगेशन के वलों रखी गई वड्डी मंग के तहत भारत वालों साल 2026 च न्यूजीलैंड के लिए सीधी उड़ान भी शुरू करन दी हामी भरी गई है।